दोस्तों आज का विषय है, यदि कोई स्त्री सावन के 5 सोमवार पुरुष को चुपचाप ये एक चीज खिला दे तो वो पुरुष पत्नी के वश में हो जाता है। पत्नी जो कहती है पति वही करता है, वो कभी भी क्रोध नहीं करता। पति की शराब आधी भी छूट जाती है और उसे कभी किसी पर गुस्सा नहीं आता, और ऐसे में स्त्री का जीवन पति के साथ में बहुत ही सुखमय तरीके से व्यतीत होता है। बहुत सी नारियां सोमवार के व्रत में इस उपाय को करके अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं, खुशी से जी रही हैं। उनका पति हो गया है वश में और प्यार भी बढ़ जाता है। पति हमेशा पत्नी से ही प्यार करता है, पत्नी की ही बातें करता है, दिन रात पत्नी से ही प्यार करता है, पत्नी को रुपया पैसा देता है, धन देता है, इज्जत मान सम्मान सब देता है। पर पत्नी को सोमवार के दिन करना है यह काम। वीडियो लाइक जरूर करें, आज का वीडियो बहुत ही खूबसूरत है। दोस्तों हर स्त्री यही चाहती है उसके घर में कभी क्लेश ना हो, उसका पति उसे प्यार करे, दिन रात उसी की ही चर्चा करें, उसे इज्जत दे, मान सम्मान दे और रुतबा पैसा दे, समाज में खड़े होने की शक्ति दे, उसकी बात का सम्मान करे, उसकी बात को समझे, उसकी हर समस्या का समाधान करे, उसका वो हर सपना पूरा करे। हर स्त्री अपने मन में जीवन में यही सपना सजाया होता है। मित्रों जब किसी लड़की की शादी होती है और वो अपने ससुराल में आती है तो अपने पति से बहुत सारी उम्मीदें लेकर के आती है, क्योंकि उसका एक नया जीवन शुरू होने के लिए जाता है। वही जब पति गुस्सेल मिल जाता है, पत्नी का सम्मान नहीं करता, हमेशा पत्नी को सुनाता रहता है, उसकी भावनाओं की कदर नहीं करता, उसे हमेशा दुख पहुंचाता रहता है, तो ऐसे में पत्नी का जीवन पूरी तरह से नीरस हो जाता है और पत्नी रात दिन कुढ़ती रहती है। मित्रों एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु मैंने देखा है कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जो अपनी स्त्रियों का सम्मान नहीं करते, वही हमेशा उनका अपमान करते रहते हैं, हमेशा पत्नी पर गुस्सा होते रहते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर के हमेशा नाराजगी जाहिर करते रहते हैं, जिससे पत्नी का सुख चैन पूरी तरह से छिन जाता है। तो प्रभु मैं ये जानना चाहती हूं कि क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे पुरुष का गुस्सा पूरी तरह से खत्म हो जाए और वो पत्नी का सम्मान करें, पत्नी को प्यार करें। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती मैं तुम्हें एक ऐसे उपाय के बारे में बताता हूं, यदि कोई भी स्त्री सावन के 5 सोमवार अपने पति को चुपचाप एक चीज खिला देती है तो उसका पति जीवन भर उसका सम्मान करता है, उसे प्यार करता है, उस पर कभी गुस्सा नहीं करता, उसकी हर बात को महत्व देता है। फिर माता पार्वती कहती, हे प्रभु आखिरकार वो चीज कौन सी है जो पुरुष को खिलाने मात्र से उसका गुस्सा हमेशा के लिए छुमंतर हो जाता है और पत्नी के जीवन में खुशियां भर जाती हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती अब मैं तुम्हें उस चीज के बारे में बताने से पहले तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, जब तुम कहानी को पूरे मन से सुनोगी तो तुम्हें वो पूरा उपाय ठीक से समझ में आएगा और वो चीज कौन सी है ये भी तुम्हें मालूम पड़ जाएगा। फिर माता पार्वती कहती है, ठीक है प्रभु आप कहानी को सुनाना प्रारंभ करें, मैं कहानी को पूरे मन से सुनूंगी। तो मित्रों कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाए, उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती बहुत पुरानी बात है, एक नगर में एक राजकुमार रहता था, वो किसी ऐसी लड़की से शादी करना चाहता था जिसके सेब जैसे लाल लाल गाल हों, सेब के बीच जैसी कत्थई आंखें हों और सेब के रंग जैसा मीठा स्वभाव हो, लेकिन ऐसी लड़की उसको अपने राज्य में कोई नहीं मिली, इसीलिए वो ऐसी लड़की की खोज में दूसरे देश को चल दिया। 3 दिन और 3 रात की लगातार सवारी के बाद में राजकुमार एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां छोटी छोटी झाड़ियों की एक कतार लगी थी। उस कतार में एक झाड़ी के नीचे एक बालों वाली टांग बाहर निकली हुई थी। फिर तो राजकुमार उस टांग को देख करके रुक गया, तभी उसने एक आवाज सुनी, उफ मेरी बदकिस्मती जो मैं यहां पर चिपक गया हूं। वहीं झाड़ियों में से फिर आवाज आई, मेरी टांग खींचो तभी तुमको पता चलेगा कि मैं कौन हूं। फिर राजकुमार ने कहा, अच्छा। और ऐसा कहकर के राजकुमार ने जोर लगा करके जैसे ही उसकी टांग खींची तो एक छोटा आदमी जिसका शरीर गोल था और वो लाल और हरे रंग के कपड़े पहने था एकदम से बाहर निकल आया। फिर उसने राजकुमार को अपने को बाहर निकालने के लिए धन्यवाद दिया। वहीं राजकुमार ने पूछा, मुझे तुम्हारी सहायता करके बड़ी खुशी हुई, परंतु झाड़ियों में क्यों पड़े थे ये बताओ। तो वो आदमी बोला, हे राजकुमार एक राक्षस ने मेरी बेटी को चुरा लिया है, जैसे ही उसने मेरी बेटी को यहां पर आकर पकड़ा तो मैं यहां आकर छिप गया और राक्षस मेरी बेटी को लेकर के यहां से चला गया।
फिर राजकुमार ने पूछा, तो क्या वो तुम्हारी बेटी को यहां से उठाकर ले गया है? तो आदमी ने कहा, हां, उसने उसको अपनी एक उंगली और अंगूठे के बीच में दबाया और राक्षस लेकर के उड़ गया। मैं तो बिल्कुल गूंगा सा हो गया और सांस भी नहीं ले सका। फिर तो राजकुमार बोला, ये तो बड़ा बुरा हुआ, वो तुम्हारी लड़की को किस और लेकर गया है। वही वो व्यक्ति राजकुमार से फिर कहने लगा, हे राजकुमार, वो राक्षस मेरी बेटी को भूखे कुत्ते, थकी हुई जादूगरनी और खाई के पार बने दरवाजे के उस पार लेकर गया है। भगवान शिव, कहते हैं पार्वती, वहीं जैसे ही उस आदमी ने राजकुमार को सारी बात बताई तो राजकुमार ने फिर कहा, भूखे कुत्ते, थकी हुई जादूगरनी और खाई के पार बने दरवाजे के उस पार यदि तुम्हारी बेटी को वो राक्षस ले गया है, तुम चिंता मत करो, मैं तुरंत ही जाता हूं और तुम्हारी बेटी को अभी लेकर आता हूं। मगर एक बात बताओ, तुम्हारी बेटी देखने में कैसी है? यदि मुझे ये मालूम पड़ जाएगा कि तुम्हारी बेटी इस प्रकार दिखती है तो मुझे पहचानने में उसे बहुत आसानी होगी और मैं तुम्हारे पास में तुम्हारी बेटी को वापस ला सकूंगा। वहीं राजकुमार की बात को सुनकर के वो आदमी कहने लगा, हे राजकुमार, मेरी बेटी के गाल उसके सेब जैसे लाल हैं, आंखें उसकी सेब के बीज जैसी कत्थई है और स्वभाव उसका सेब के रस जैसा मीठा है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इधर राजकुमार को भी ऐसी ही लड़की की खोज थी। फिर तो राजकुमार जो था उस आदमी की बात को सुनते ही उस पर बिल्कुल भी नहीं रुका गया और कहने लगा, अब तुम चिंता मत करो, मुझे भी ऐसी ही लड़की की तलाश थी। और फिर इस प्रकार राजकुमार जो था तुरंत ही अपने घोड़े पर सवार हो गया और उस लड़की की खोज में दौड़ चला। और फिर चलते चलते राजकुमार दूर जंगल में निकल गया, मगर राक्षस का ठिकाना नहीं ढूंढ सका। और फिर वो परेशान होकर के एक सरोवर के किनारे सोच विचार में बैठा हुआ था। तभी संयोग से घूमते घामते उसी सरोवर के किनारे एक साधु आ जाते हैं जो विष्णु भगवान के उपासक थे। वही जब साधु ने राजकुमार को बहुत ज्यादा चिंता में देखा तो साधु ने कहा, क्या बात है राजकुमार, इतनी चिंता में क्यों हो, आखिरकार क्या समस्या है? वही साधु की बात को सुनकर के राजकुमार ने बताया, महाराज, एक राक्षस यहां पर कहीं जंगल में रहता है और वो एक लड़की को उठाकर अपने साथ में ले गया है। मुझे वहां तक पहुंचना है, मगर मैं कैसे पहुंचूं, मैं उसका ठिकाना ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गया, लेकिन मुझे राक्षस का वो ठिकाना नहीं मिल सका। इसीलिए मैं सोच विचार में बैठा हूं कि मुझे क्या करना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार राजकुमार की बात को सुनकर के साधु ने दिव्य दृष्टि से देखा कि उस राक्षस का ठिकाना कहां पर है। फिर देखने के बाद में साधु ने राजकुमार से कहा, राजकुमार, मैं तुम्हें उस राक्षस का ठिकाना बताता हूं, मगर एक बात और ध्यान रखना, जब तुम राक्षस के पास जाओगे तो तुम्हें कई समस्याओं से होकर के गुजरना पड़ेगा। अब मैं तुम्हें बताता हूं तुम्हें कौन सी समस्याओं से गुजरना पड़ेगा। जब तुम राक्षस के ठिकाने पर पहुंचोगे तो सबसे पहले तुम्हें एक कुत्ता मिलेगा जो बहुत ही गुस्से वाला है, और मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि वो असल में कुत्ता नहीं है, वो एक राक्षस है और कुत्ते के रूप में पहरेदारी करता है, और यदि कोई उस गुप्त स्थान पर घुसने की कोशिश करता है तो वो कुत्ता उस पर हमला कर देता है और उसे खत्म कर देता है। वहीं जब तुम और आगे बढ़ोगे तो तुम्हें एक जादूगरनी मिलेगी जिसे किसी इंसान को देखते ही इतना गुस्सा आता है कि वो गुस्से से लाल हो जाती है और सामने वाले इंसान को मारकर खा जाती है। और फिर तुम जब और आगे बढ़ोगे तो तुम्हें एक दरवाजा मिलेगा जो असल में दरवाजा नहीं है, वो भी एक राक्षस है जो दरवाजे के रूप में पहरेदारी करता है और फिर उसमें प्रवेश करने वाले इंसान को तुरंत ही खा जाता है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, वहीं वो साधु जो था राजकुमार से आगे कहता है, हे राजकुमार, यदि तुम्हें इन तीनों के गुस्से से बचना है, इनके गुस्से को काबू में करना है, उनका गुस्सा खत्म करना है, तो तुम्हें अपने साथ में एक चीज रख कर ले जानी है, और जब वो तुम्हारे ऊपर गुस्सा करना प्रारंभ हो तो उनसे कहना कि मुझ पर गुस्सा मत करो, मैं तुम्हें एक ऐसी चीज पिलाने वाला हूं जिसको पीने के बाद में तुम अमर हो जाओगे, और फिर तुम उस चीज को निकालना जिसके बारे में मैं तुम्हें बताता हूं, और फिर तुम उस चीज को उन तीनों को 5-5 चम्मच पिला देना, और फिर वो जैसे ही इस चीज को पिएंगे तो उस चीज के प्रभाव से वो तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे और तुम्हें आगे जाने के लिए खुशी खुशी रास्ता दे देंगे और तुम्हारे साथ में मित्रवत व्यवहार करेंगे। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार साधु की बात को सुनकर के राजकुमार ने जंगल से उस चीज की व्यवस्था की जो साधु ने बताई थी और फिर अपने साथ में लेकर के राक्षस के ठिकाने पर पहुंच गया। राजकुमार हवा की गति से भागा जा रहा था कि एक कुत्ते का घर आया। कुत्ता अपने घर से निकलकर भौंकने लगा।
राजकुमार तुम कहां जा रहे हो? सावधान हो जाओ, यदि तुमने आगे जाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। वहीं राजकुमार ने वो चीज निकाली जिस चीज के बारे में साधु ने बताया था और फिर उस कुत्ते से कहा, तुम्हें मैं एक ऐसी चीज पिलाऊंगा कि तुम अमर हो जाओगे, मुझे आगे जाने दो। फिर कुत्ता कहने लगा, यदि ऐसी बात है तो ठीक है, तुम मुझे वो चीज दिखाओ, वो चीज क्या है? वही राजकुमार ने वो चीज निकाली और कुत्ते को पिला दी और कहा, मैं राक्षस के किले को जा रहा हूं, जहां सेब जैसे सुर्ख गाल वाली, सेब के बीज जैसी कत्थई रंग की आंख वाली और सेब के रस जैसे मीठे स्वभाव वाली लड़की कैद है। फिर कुत्ता बोला, मुझे किसी को देखते ही एकदम से क्रोध आ जाता था। वही राजकुमार की बात को सुनकर के कुत्ता कहने लगा, हे राजकुमार, मुझे किसी को भी देखते ही एकदम से क्रोध आ जाता था, लेकिन जब से मैंने तुम्हारी दी हुई चीज पी है तब से मेरा गुस्सा पता नहीं कहा गायब हो गया। राजकुमार, तुम बहुत अच्छे हो, अब तुम आगे जा सकते हो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मगर एक बात ध्यान रखना, यदि तुम्हें कहीं पर वो लड़की दिखाई ना दे या वो लड़की कहीं पर नहीं मिले तो तुम्हें वहां पर एक सेब दिखाई देगा, तुम उस सेब को अवश्य उठा लेना। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार राजकुमार ने उस कुत्ते को अपना खाना दे दिया जो स्वयं के खाने के लिए अपने साथ में लाया था और कहा, ये लो कुछ रोटियां और इन्हें खा करके अपनी भूख मिटाओ। और फिर राजकुमार ने ऐसा कहकर के उस कुत्ते को अपनी सारी रोटियां दे दी और फिर कुत्ते ने खुशी से वो रोटियां खाई और राजकुमार से बोला, जाओ राजकुमार, भगवान करे कि तुम उस लड़की को छुड़ाने में कामयाब हो, मगर ये जरूर याद रखना, अगर तुम्हें वो लड़की कहीं पर दिखाई ना दे तो वहां पर तुम्हें एक सेब जरूर दिखाई देगा, उस सेब को तुम जरूर उठा लेना। इस प्रकार राजकुमार फिर अपने घोड़े पर चढ़ा और कुत्ते के ऊपर से छलांग लगा दी और हवा की गति से अपने घोड़े को दौड़ाता हुआ वो जादूगरनी के घर के पास आ गया। वहीं जादूगरनी ने कहा, ए राजकुमार, सावधान हो जाओ, यदि आगे बढ़े तो मैं तुम्हें जिंदा खा जाऊंगी। वहीं राजकुमार ने जादूगरनी को भी वो चीज पिला दी और फिर राजकुमार ने जवाब दिया, मैं राक्षस के किले को जा रहा हूं, जहां सेब जैसे सुर्ख गाल वाली, सेब के बीज जैसी कत्थई रंग की आंख वाली और सेब के रस जैसे मीठे स्वभाव वाली लड़की कैद है। फिर तो जादूगरनी का गुस्सा ठंडा हो गया और राजकुमार से कहा, ठीक है, तुम यहां से आगे जा सकते हो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। और फिर जादूगरनी की बात को सुनकर के राजकुमार ने जादूगरनी को एक कंबल भेंट किया तो जादूगरनी ने उस कंबल को अपने शरीर के चारों ओर लपेट लिया और कहने लगी, राजकुमार, तुम बहुत अच्छे हो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, तुम यहां से आगे जा सकते हो, भगवान करे कि तुम उस लड़की को छुड़ाने में कामयाब हो जाओ, पर याद रखना, अगर तुम्हें वो लड़की वहां पर ना मिले तो वहां पर एक सेब रखा होगा, तुम उस सेब को जरूर उठा लेना। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार राजकुमार जो था जादूगरनी के मकान के ऊपर से छलांग लगाता हुआ हवा की तरह तेजी के साथ में उस लड़की की खोज में आगे चल दिया और फिर वो एक दरवाजे के पास में आया जो एक राक्षस के रूप में खड़ा हुआ था। वही वो दरवाजा जो था राजकुमार को देख करके कहने लगा, हे राजकुमार, सावधान हो जाओ, यदि तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। वहीं राजकुमार ने उस राक्षस को भी वो चीज पिला दी और उसका गुस्सा शांत कर दिया और कहा, मैं राक्षस के किले को जा रहा हूं, जहां सेब जैसे सुर्ख गाल वाली, सेब के बीज जैसी कथई रंग की आंख वाली और सेब के रस जैसे मीठे स्वभाव वाली लड़की कैद है। फिर तो दरवाजे ने कहा, मेरा गुस्सा पता नहीं कैसे शांत हो गया, तुम बहुत अच्छे राजकुमार हो, अब मैं तुम्हें रास्ता देता हूं, तुम आगे जा सकते हो। वही राजकुमार ने दरवाजे की जंग को साबुन से साफ किया तो दरवाजा खुश होकर बोला, जाओ राजकुमार जाओ, भगवान करें कि तुम उस लड़की को छुड़ाने में अवश्य कामयाब हो, मगर एक बात ध्यान रखना, अगर तुम्हें वहां पर वो लड़की दिखाई ना दे तो वहां पर तुम्हें एक सेब रखा हुआ जरूर दिखाई देगा, फिर तुम उस सेब को अवश्य उठा लेना। इस प्रकार राजकुमार ने दरवाजे के ऊपर से छलांग लगाई और फिर घोड़ा नाचता चला गया। इस प्रकार वो राजकुमार जो था आखिरकार राक्षस के किले तक पहुंच गया और वो सीधा अपने घोड़े को सीढ़ियां चढ़ाता हुआ सामने वाले दरवाजे पर पहुंच गया। वहीं जब वो किले के पीछे पहुंचा तो उसे वहां पर कोई राक्षस दिखाई नहीं दिया, ना वो लड़की दिखाई दी। फिर वो आगे वाले कमरे में गया पर वहां भी उसे कोई दिखाई नहीं दिया। फिर वो राजकुमार रसोई में गया, वहां भी उसे कोई राक्षस दिखाई नहीं दिया, ना वो लड़की दिखाई दी। इसके बाद में वो राक्षस के सोने वाले कमरे में पहुंचा, वहां उसने खर्राटों की आवाज सुनी, उसके अंदर झांक कर देखा तो राक्षस गहरी नींद में सो रहा था और पास में ही एक तश्तरी में एक सेब रखा हुआ था। तभी राजकुमार को याद आया कि सभी ने उसे क्या कहा था।
अगर तुम्हें वो लड़की वहां पर दिखाई ना दे तो तुम्हें वहां पर एक सेब रखा हुआ जरूर दिखाई देगा, जिसे तुम अवश्य उठा लेना। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, फिर तो राजकुमार ने जैसे ही उस सेब को उठा लेना चाहा, तो सेब को छूने से पहले ही वो सेब जो था एक लड़की में बदल गया, जिसके गाल सेब की तरह सुर्ख थे और आंखें सेब के बीजों की तरह कत्थई रंग की थीं। फिर लड़की ने रो करके राजकुमार से कहा, हे राजकुमार, मुझे बचा लो, मुझे यहां से ले चलो। वहीं राजकुमार कहने लगा, अब तुम चिंता मत करो, जल्दी से मेरे पास आओ और हमारे साथ चलो, मेरा घोड़ा नीचे खड़ा है। और फिर इस प्रकार राजकुमार जो था उस लड़की को लेकर के वहां से भाग लिया। वहीं राजकुमार ने लड़की को घोड़े पर बिठाया और दौड़ चला, तभी राक्षस की यहां खुल गई और वहीं से राक्षस चिल्लाया, हे दरवाजे, जल्दी से उसे रोको। तो दरवाजा कहने लगा, मैं नहीं रोकूंगा, उसने मेरे जोड़ों में साबुन लगाया है। और इस प्रकार कह करके दरवाजे ने राजकुमार को वहां से आगे जाने के लिए रास्ता दे दिया। फिर तो राजकुमार उस लड़की को लेकर के दरवाजे के ऊपर से निकल गया। वहीं राक्षस जो था राजकुमार के पीछे भागा और चिल्लाया, हे जादूगरनी, जल्दी से इस राजकुमार को रोको, ये यहां से जाने ना पाए। तो जादूगरनी कहने लगी, मैं नहीं रोकूंगी, क्योंकि राजकुमार ने मुझे सोने के लिए एक मखमली कंबल दिया है। इस प्रकार राजकुमार उस लड़की को लेकर के वहां से भी आगे निकल गया। वहीं राजकुमार अपना घोड़ा दौड़ाता हुआ वहां से आगे चला गया। वहीं राक्षस जो था वो भी अपनी पूरी गति के साथ में उस राजकुमार के पीछे भाग रहा था। फिर वो चिल्लाकर बोला, एक कुत्ते, जल्दी से इस राजकुमार को रोक ले, इसे जाने नहीं देना। तो कुत्ता कहने लगा, मैं राजकुमार को नहीं रोकूंगा, उसने मुझे खाना दिया है। और फिर राजकुमार जो था लड़की को लेकर के आगे बढ़ गया। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार राजकुमार का सभी ने साथ दिया। और जब राक्षस उस राजकुमार के पीछे आया और कुत्ते के पास में पहुंचा, तो कुत्ते ने राक्षस के पैर में काट लिया और फिर पकड़ लिया। उधर राजकुमार जो था तब तक भागता चला गया जब तक कि वो झाड़ियों की कतार नहीं आ गई, जहां पर उस लड़की का पिता छिपा हुआ था। उधर घोड़े की टाप की आवाज सुनकर के वो आदमी फिर से वहीं पर छिप गया। और फिर राजकुमार ने फिर उसकी टांग पकड़कर उसको बाहर निकाला। असल में वो आदमी घोड़े की टाप की आवाज सुनकर डर गया था और फिर से झाड़ियों में छिप गया था। वहीं उस आदमी को अपनी बेटी पाकर बड़ी खुशी हुई और राजकुमार के कहने पर उसने अपनी बेटी की शादी राजकुमार के साथ में कर दी। इस प्रकार राजकुमार को अपनी मनपसंद पत्नी मिल गई और फिर वो उसको लेकर के खुशी खुशी घर वापस आ गया और उससे शादी करके आराम से रहने लगा। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार समय के साथ ही राजकुमार गलत संगत में पड़ गया और अपनी पत्नी पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगा, अत्याचार ढाहने लगा। राजकुमार का स्वभाव जो था गुस्सैल प्रकार का हो गया। वही जब राजकुमार की पत्नी बहुत ज्यादा परेशान होने लगी, बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी, अपने पति से प्रताड़ित होने लगी, तो रात दिन चिंता के मारे कुढ़ने लगी। और फिर कुछ ही दिनों के बाद में वो ही साधु जिसने राजकुमार को गुस्सा करने वाली चीज के बारे में बताया था, एक दिन राजकुमार के दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आया। फिर जब उस राजकुमारी ने साधु को भिक्षा दी और उधर साधु ने राजकुमारी की चिंता की, जब लकीरों को देखा और जब साधु को मालूम पड़ा कि इस राजकुमारी का पति बहुत ज्यादा गुस्सैल स्वभाव का हो गया है, तो साधु ने जो चीज राजकुमार को बताई थी उसी चीज के बारे में राजकुमारी को भी बता दिया। और फिर राजकुमारी ने बेल के 5 पत्तों का रस लेकर के उसमें सुपारी मिलाकर के सावन के 5 सोमवार राजकुमार को चुपचाप पीला दिया, जिसके प्रभाव से राजकुमार का गुस्सा हमेशा के लिए समाप्त हो गया और वो राजकुमारी से प्यार करने लगा। वही अंत में माता पार्वती कहती हैं, प्रभु, अब मैं समझ गई, यानी जो भी स्त्री बेल के पत्तों को सावन के 5 सोमवार सुपारी में मिला करके बेल के पत्तों के रस को चुपचाप अपने पति को पीला देती है, उसके पति का गुस्सा हमेशा के लिए छूमंतर हो जाता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, तुमने ठीक समझा, बेल का पत्ता मुझे बहुत ही प्रिय है और ये इंसान के गुस्से को छूमंतर कर देता है। तो मित्रों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लायक करना ना भूलें।